एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो आपने ज़रूर एक चीज़ नोटिस की होगी, जो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी कि जिस भी चीज़ के लिए हम परेशान नहीं होते हैं बिल्कुल भी, हम उस चीज़ को सोचते हैं, विजुअलाइज भी कर लेते हैं और उसके बाद हम उसे भूल जाते हैं कि हमने कुछ विजुअलाइज किया है, कुछ मैनिफेस्ट किया है, ऐसा भूल जाते हैं और वो चीज़ एक दिन हमारे सामने होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं, बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं होते हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें होती है वो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट हो जाती है क्योंकि हम उसे भूल जाते हैं करके इसीलिए। और आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि जिस भी आपकी कोई भी विश है उसके लिए आपने सारी टेक्निक लगा दी, आपने विजुअलाइज भी कर लिया, अच्छे से सोच भी लिया, सब कुछ कर लिया और पूरे जी जान लगा दी है इसमें, लेकिन वो चीज़ पूरा होने में सालों लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा उससे अटैच हो जाते हैं ना कि हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, उसका लेट गो हम कर ही नहीं पाते और लेट गो होगा नहीं तब तक वो चीज़ हमारे लाइफ में नहीं आने वाली है। जैसे हम छोटी सी चीज़ को मैनिफेस्ट बहुत ही जल्दी और इजीली कर लेते हैं और वही बड़ी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ये सब हमारे वजह से ही होता है, हम ही उसे लेट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही जल्दी काम कैसे करता है और कब करता है? जब हम कोई भी हमारी मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ी विश है या फिर बड़ी नहीं भी है, नॉर्मल है, तो जब हम उस विश से उसके बारे में टेंशन लेना छोड़ देंगे, उसे करके फिर भूल जाएंगे, उसे बिल्कुल भी मीन्स कि बहुत ज़्यादा लगाव रखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ें बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट हो जाती है, बहुत ही ईजीली मैनिफेस्ट हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब हम किस जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमारे पास नहीं है तो हमारा ध्यान बार बार उसी चीज़ पे जाता है कि ये हमारे पास नहीं है और फिर हम उसके लिए परेशान होते रहते हैं। और हम जितना ज़्यादा परेशान होते हैं उतनी ही ज़्यादा जो चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे पास हो वो चीज़ हमसे दूर जाती रहती है, क्योंकि हम परेशान होते रहते हैं बहुत ज़्यादा कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा हर वक्त काम करता है। तो अभी आप परेशान हो रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि वो जल्दी मैनिफेस्ट हो क्योंकि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो और जब हम ऐसा करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को हम छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर हम उसके लिए नेगेटिव सोचने लगते हैं, नकारात्मक होने लगते हैं, तो फिर यही वाइब्रेशन जाती है यूनिवर्स में और फिर यूनिवर्स को लगने लगता है कि इसको तो विश्वास है ही नहीं, ये तो चाहता ही नहीं है, तो फिर इससे भी वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ जल्दी से आपके पास आ जाए तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए अब आपको मेरी बात बताती हूँ, ये अभी की ही बात है, मीन्स कि ये 10 मार्च की बात है। तो 10 मार्च को क्या हुआ था, मैंने कैसे आधे घंटे में ही मैनिफेस्ट कर लिया और मुझे आधे घंटे में ही वो चीज़ मिल भी गई, ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ ये भी बताती हूँ मैं। तो क्या हुआ कि हम लोग को 10 मार्च को यहाँ से, हरियाणा में हूँ मैं अभी, तो हरियाणा से हमें दिल्ली जाना था, जबकि घर में ही थी मैं, तब मैंने ऐसा सोचा था कि मुझे आज गन्ने का जूस पीना है और ये मैंने सोचा, उसके बाद मैं इसे भूल गई। क्योंकि हम जब जाते हैं, हम बाइक से जाते हैं, तो बाइक से हम जब भी जाते हैं तो हम रास्ते में कभी भी रुकते नहीं है, और मैंने ये तब सोचा क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब भी जाती हूँ तो बीच रास्ते में हम कभी नहीं रुके क्योंकि पानी वगैरह हम लेके जाते तो हम नहीं रुकते, तो मैंने ये विजुअलाइज़ किया, सोचा, उसके बाद मैं इसे भूल गई। फिर हमारा निकलने का घर से टाइम हो गया और फिर हम निकले
आधे घंटे ही हुए थे हमें गए, और आधे रास्ते से भी मीन्स कि घर से आधे घंटे की ही दूरी पे हम पहुँचे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि, और ये भी बताती हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। अब यही मैंने सोचा था कि मुझे गन्ने का जूस पीना है, ठीक है, और मैं इसे भूल गई थी। और वहीं दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड वो घर से ये सोच के निकले थे कि कहीं टायर पंचर ना हो जाए, उन्हें बस ये डर था कि कहीं टायर पंचर ना हो जाए, और वो इसी चीज़ की टेंशन में थे। और फिर वो करे, उन्होंने ये सोचा और फिर वो भी इस बात को भूल गए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि हम जब निकल गए, आधे घंटे की दूरी पर पहुँचे, तब टायर पंचर हो गया। अब ये तो उनकी विश थी, उन्होंने ये सोचा था, अब नेगेटिव ही सही, अब उन्होंने ये सोचा था तो ये पूरा हो गया, टायर पंचर हो गया। अब उसके बाद हम बीच रास्ते में उतरे, मैं वहीं खड़ी थी और ये उससे 5 मिनट की दूरी पे ही टायर पंचर बनवाने वाला एक दुकान था, और जस्ट दुकान के साइड में ही गन्ने का जूस की एक लॉरी भी खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे वो टायर पंचर बनवाने गए, मैं नहीं गई थी, मैं और मेरा प्रतीक, हम दोनों रोड के दूसरी साइड खड़े थे। तो इन्होंने फ़ोन किया और बोला कि यहाँ पर आ जाओ, गन्ने का जूस पीते हैं। अब मैं वहाँ पहुँची, फिर मेरे को ध्यान आया कि अच्छा, ये तो मैंने सोचा था घर पे, और फिर उन्होंने मुझे गन्ने का जूस पिलाया। तभी मैंने वहाँ पे उस टाइम में मैंने थैंक यू बोला कि ये मैंने सोचा था और ये पूरा हो गया। तभी मैंने ये बात बताई उनको कि ये मैंने सोचा था कि मुझे चाहिए पीना है आज, तो ये पूरा हो गया। तो इन्होंने पता है क्या बोला कि मैं भी घर से यही सोच के निकला था कि कहीं टायर पंचर ना हो जाए, और ये पंचर हो गया। तब मैंने उनको बताया कि कुछ अच्छा ही सोच लेते, तो इन्होंने बोला कि अब हो गया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो बस यही होता है कि जब हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते कि अगर वो पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो चीज़ बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि हम उसे करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, टेक्निक लगा दो, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हम उसे जितनी जल्दी हो सके भूल जाओ, करके भूल जाओ, लेट गो करो। जितनी जल्दी हमारा लेट गो होगा उतनी ही जल्दी हमारी विश मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो बस ऐसे ही करें तो आपकी जो भी विश है सब पूरी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, और कोई भी ऐसी आपकी कोई स्टोरी हो जो कि आपने बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट कर ली हो तो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।